इंडियन मेड फूड मशीन में आपका तहे दिल से स्वागत। मैं आपका दोस्त महेश पाटिल पूना। आज का ये जो वीडियो हमारा बन रहा है, ये अभी आपने वीडियो में तो देख लिया है, ये हमारा फूम टैंक है एमएस का, जो मेटल जो बोला जाता है कि एमएस में तो लोखंड का बोला जाएगा आपके मराठी लैंग्वेज में जो हम लोग, और हिंदी में आप लोहे का बोला जाएगा। तो ये दोनों फूम टैंक ये हमारे प्रोडक्ट में ही है, हमारा ही प्रोडक्शन है। आपने इसके ऊपर स्टिकर तो देख लिया रहेगा, सृष्टि एंटरप्राइज का रेड कलर जो है ये एमएस का होने के कारण से इसको हमने रेड कलर दिया है। और ये दूसरा जो है वो है एसएस का स्टेनलेस स्टील। तो आपने लास्ट वीडियो में एसएस का जो कंपेरिजन देखा था, फोम बॉक्स विथ स्टेनलेस स्टील फोम टैंक, तो आज हम लोग ये दोनों जो है एमएस के फोम टैंक, जिनका प्रेशर हमने सेट किया है 7 बार ऑलमोस्ट, गेज अभी यहाँ पे दिख रहा है, तो सेम फंक्शन है। फनेल यहाँ पे भी फनेल बॉल वॉल, ये एमएस का जो फोम टैंक है इसमें जो भी एक्सेसरीज लगा है ये स्टेनलेस स्टील लगा है, इसमें कुछ भी हमने सिर्फ ये जो टैंक है ये एमएस का रखा हुआ है। अभी आप पूछते रहेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे कमेंटमेंट मिली है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि अगर आप स्टेनलेस स्टील बना रहे हैं तो लोहे का क्यों बना रहे हो और फोम बॉक्स क्यों बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है। हमारा कोशिश चल रहा है कि जिनका बजट कम रहे तो उस हिसाब से हम लोग फोम का वैरायटी लाएंगे। तो ये है एमएस फोम टैंक। अभी इसका जो क्वालिटी हम लोग एज पर कंपेरिजन, हमारा जो ट्रायल एरिया है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। ट्रायल एरिया पे जब हम लोग मारते हैं तो ये प्लेन सरफेस रहता है, प्लेन सरफेस पे हम लोग ये ट्रायल लेते हैं। अभी आप अगर इसका प्रेशर से चेक करना है, अभी लोग बोलेंगे तो छुपा के रखा रहेगा, तो हम लोग इसको ये भी दिखाएंगे कि प्रेशर जो है यहाँ पे अभी आपको दिखेगा 7 बार, दोनों का भी जो प्रेशर है वो 7 बार रखा हुआ है, जिसका रेगुलेटर यहाँ पे रखा हुआ है, ये इसका रेगुलेटर है, 7 बार ऑलमोस्ट सेट किया हुआ है। और ये एमएस का फोम टैंक का गन है, वो एसएस का फोम टैंक का गन है। तो एज पर कंपेरिजन जो है हम लोग वो देखेंगे कि दोनों का फोम क्वालिटी क्या है। तो ये दोनों फोम टैंक ऑलमोस्ट, तो अभी हम लोग दोनों गन जो है मेरे लेफ्ट हैंड में अपना एमएस का फोम टैंक का गन है और राइट हैंड में एसएस का गन है। पहला हम लोग एमएस का ये करके देखेंगे। हर वीडियो में मैंने बोला है कि एक स्ट्रोक जो है पहला स्ट्रोक रुकेगा और फिर कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाएगा, अभी हम लोग राइट वाले जो है उसका भी ये करेंगे। तो ये अभी राइट वाला ये रुका और फिर अपना ये कंटिन्यू कर दिया। अगर आप देखेंगे तो दोनों फोम टैंक में कोई फर्क नहीं है, जैसे हमने पहला प्रूफ किया था कि फोम बॉक्स और स्टेनलेस स्टील फोम टैंक इसमें भी कोई फर्क नहीं आता है। एक दो कस्टमर जो थे हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने कमिटमेंट किया था हमारे इसके ऊपर कि फोम बॉक्स का जो फोमिंग है वो प्रॉपर नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें आप कॉम्प्रेस्ड एयर जो है टैंक के अंदर जैसा देते हो वैसे हमने एयर जो है फोम बॉक्स में कन्वर्ट किया हुआ है। अभी हमारे पास जो सृष्टि एंटरप्राइजेस ये है पुणे में, जो फोमिंग मशीन और वो क्लीनिंग इक्विपमेंट जो रहता है उसमें हम लोग काम करते हैं, तो ये ऑप्शन दिए हमने। बजट कम है तो आप एमएस फोम टैंक लीजिए, उससे थोड़ा बड़ा बजट है जगह कम है या फिर एक ही जगह पे आपका रहने वाला है तो वहां पे फोम बॉक्स लीजिए। फोम बॉक्स का बहुत सारा पॉपुलर हुआ है, ऑलमोस्ट महीने में हमने एक 8 से 10 मशीन बेचे है लास्ट महीने में,
ये महीने में अभी वापस बनाना चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग, मशीन आए हुए असेंबली, क्योंकि अभी दशहरे का सीजन आएगा, विश्वकर्मा और दशहरा जो रहता है। विश्वकर्मा ये आपका जो असम उड़ीसा बिहार ये साइड में, और महाराष्ट्र में दशहरा जो रहता है लक्ष्मी पूजा, सॉरी दशहरा, लक्ष्मी पूजन बोले तो दिवाली हो गया सॉरी, तो ये दशहरा और दिवाली इनका ये रहता है सब लोड। तो अभी ये हमारा कोशिश चल रहा है कि कस्टमर को सॉल्यूशन दिए फोमिंग में। तो ये तीन ऑप्शन अभी हमारे पास सृष्टि एंटरप्राइजेस पूना, जो इंडियन मेड फोम मशीन जो चैनल है हमारा यूट्यूब पे, इसके ऊपर ये प्लेटफॉर्म पे ये चल रहा है। तो ये जो है यहाँ पे अपने स्टेनलेस स्टील और ये एमएस, तो दोनों का जो थिकनेस है, मैं बात अभी भी यही कर रहा हूँ कि थिकनेस दोनों का सेम है, टैंक साइज भी सेम है, डिजाइन भी सेम है, इसमें सिर्फ एमएस है और ये स्टेनलेस स्टील है। यहाँ पे पानी जो है आपका ये जो टैंक है वो रस्टी होगा, इसका लाइफ आपको कम मिलेगा। एमएस फोम टैंक की कीमत से एसएस फोम टैंक कीमत ऑलमोस्ट दुगना है। मैं कीमत यूट्यूब पे वीडियो में कभी भी मैं नहीं करता हूँ कीमत का बात, क्योंकि क्या होता है अगर कीमत मैंने बताया तो फिर वही वो कंटेंट जो है आगे गलत जाता है। तो फोम बॉक्स, फोम टैंक और एसएस फोम टैंक, ये तीन ऑप्शन हमारे पूना में इंडियन मेड फोम जो हमारा प्लेटफॉर्म है और सृष्टि एंटरप्राइजेस हमारा फर्म है, तो इसके ऊपर ये सब चल रहा है, अवेलेबल है। आपको लास्ट वीडियो में आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे हमारे पास फोम टैंक अभी भी अवेलेबल है, हम लोग जैसे ऑर्डर आते हैं वैसा असेंबल करते हैं, और मेरे ख्याल से अभी मेरे हमारे पास कम से कम 20 फोम टैंक अवेलेबल रहेंगे। बल्क क्वांटिटी में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं ओनली महाराष्ट्र। सप्लायर जो है हमारा, ये जो डिज़ाइन जो है इंडियन मेड फोम मशीन का, ये पेटेंट रजिस्टर्ड है। अभी आप बोलोगे पेटेंट का नंबर दीजिए, तो ऐसा कोई ये नहीं है, हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और किसी को टैंक टेस्टेड चाहिए, ये जो टैंक रहता है इसका टेस्टिंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसे इसका जो फोम टैंक है वो ऑलमोस्ट हमने अभी जो कंप्रेसर है आपका एयर कंप्रेसर रहता है 12 केजी प्रेशर, ये हमने टेस्टेड किया है 18 केजी के ऊपर। तो ऐसा नहीं है, आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए टेस्टेड सर्टिफिकेट चाहिए तो उसका पैसा थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि हम लोग जब टैंक टेस्ट करते तो हमें गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देता है, और गवर्नमेंट का जो प्रोसेस है उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा वो बढ़ेगा। अगर जिसको प्रोवाइड चाहिए कि हम लोग को टैंक सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी हम लोग दे सकते हैं, इंडिविजुअल वो टैंक का भी दे सकते हैं हम लोग, उसके ऊपर आपको पंचिंग करके वगैरह सब कुछ दे सकते हैं, उसका गवर्नमेंट सर्टिफिकेट वो आपको अलाउड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, फोम टैंक जो है मार्केट में जो चाइना आ रहा है उनसे हमारा कंपेरिज्म नहीं है। हमारा जो कंपेरिज्म है, हम लोग जो कंपटीशन करते हैं वो हम लोग खुद से कर रहे हैं, हम लोग बढ़िया क्वालिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये जो है इनका दोनों का वेट अगर आप पकड़ोगे तो ऑलमोस्ट 30 केजी इसका वेट हो जाता है, 30 से 35 केजी, तो वो हिसाब से आप समझ जाओगे कि इसका थिकनेस कितना है। हम लोग अभी भी आपको बोल रहे हैं कि हमारा ये जो टैंक का थिकनेस है वो 3 mm है, आप कभी भी आप चेक कर सकते हो, 3 mm पूरा अप टू डेट 3 mm थिकनेस है दोनों फोम टैंक का, एमएस का भी है और स्टेनलेस स्टील का भी। जहाँ पे आप इसका थिकनेस कम करोगे डेफिनेटली प्राइस कम हो जाएगा। एक छोटा सा गन भी आपने इसमें चेंज कर दिया, एक छोटा सा नोजल भी आपने इसमें चेंज कर दिया, तो भी प्राइस का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी बॉल वॉल है ये अच्छी क्वालिटी का है, हेवी क्वालिटी का है, इसमें आपको जो बॉल वॉल है लो क्वालिटी का भी आता है, तो ऐसा नहीं है, हेवी क्वालिटी वाला सब यूज़ किया हुआ है, तो प्राइस ऑलमोस्ट ज़्यादा जाएगा। जो हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, मेरा वो टैगलाइन है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मेरा टैगलाइन एक ही है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ये हमने आपको कंपेरिजन दोनों दिखा दिए। अब अभी भी अगर ये गन उठाएंगे एमएस का और स्ट्रोक मारोगे तो पहला स्ट्रोक आपका रुकेगा,
आएगा, ये रुकेगा और फिर चार्ज हो जाएगा, और चार्ज जब हो जाएगा वो कंटिन्यूसली चार्ज हो जाएगा।